अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ फिट डिज़ाइन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर हर नए आने वाली वीडियो का मैसेज आपको फ़ौरन से पहले मौसूल हो जाए। जी जनाब, आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग में लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स नज़र आएंगे और डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन और स्टाइल्स आप देखने वाली हैं। ये ऐसे ड्रेसेज हैं जो ग्रीन एवर हैं। आप किसी भी ओकेजन पर, किसी भी फंक्शन पर आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। और ये कलर ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत ही ठंडा मीठा सा और आंखों को सुकून देने वाला ये रंग ग्रीन के शेड में जो आता है हमारे पास, बहुत ही प्यारा लगता है। मोस्टली ख़वातीन इस कलर के ड्रेसेस इतने नहीं बनाती हैं। वो कहती हैं कि ग्रीन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन मेहंदी माइयों के लिए यूज़ होता है और हम उसके लिए ही इसको इस कलर को यूज़ कर सकते हैं या इसमें ड्रेस बना सकते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्रेसेस की यहाँ पर आप डिज़ाइन देखने के बाद लाइफ डिज़ाइन में आपको पता चलेगा कि ये ड्रेस या ये कलर आप ईज़िली कैजुअल वेयर में, आप नॉर्मल रूटीन में भी कैरी कर सकती हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत पार्टी पर आप पहन सकती हैं, कोई आपकी कवाली नाइट है उस पर पहन सकती हैं, आपकी कोई गेट टुगेदर है, पार्टी है, कोई फंक्शन है, इवन दैट के ये शादी के तमाम फंक्शंस पे भी यूज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको मेहंदी या माइयों के लिए बनाया जाए। इसको थोड़ा सा आप लुक इस तरह दे दें, कुछ डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग इस तरह की कर लें इस कलर में कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए और आप तकरीबन तमाम ही फंक्शन को इसको कैरी कर सकें। अगर आप देखें गोटा या इस किस्म की एम्ब्रॉयडरीज पे करते हैं ग्रीन कलर के सूट पर, तो वो आपके मेहंदी माइयों पर पहना जा सकता है इसीलिए। अगर आप यहाँ जो डिज़ाइनिंग देखें, बहुत ही कुछ यहाँ पर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग इस कलर में इतनी प्यारी, इतनी यूनिक, इतनी सिंपल की हुई है। ये तमाम डिज़ाइंस जो हैं वो ब्रांडेड हैं, ये डिज़ाइनर वेयर स्टाइल हैं, इनको आप खुद रिक्रिएट कर सकती हैं। और कोशिश करें कि जब आप रिक्रिएट करें तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक। यहाँ पर जो आपको मोस्टली डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं वीडियो में, इसमें ज़्यादा फैब्रिक जो है वो सिल्क यूज़ किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली इस कलर में। अगर आप सिल्क पसंद करती हैं तो ग्रीन में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप उसके हल्की एम्ब्रॉयडरी करा सकती हैं, इवन दैट की मशीन की कढ़ाई भी करा सकती हैं। हाथ की कढ़ाई नहीं आपको पसंद तो आप मशीनी कढ़ाई बहुत ही आसानी से करा सकती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। मुझे तो खुद ये कलर बहुत पसंद है और विंटर में, जैसे कि अब विंटर आ रहा है तो आप ईज़िली सिल्क में ये पहन सकती हैं, जॉर्जेट में भी ये पहन सकती हैं, कोई भी आप स्टफ जो सर्दियों के उसमें बहुत ईजिली कैरी कर सकती हैं। जब आप ये पहनेंगे तो आपकी खुद बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बड़ा स्मूथ सा, बड़ा जो है ये आंखों को सुकून देने वाला ये रंग है। मुझे पर्सनली ये बहुत कलर पसंद है। यहाँ पर जितने भी आप डिज़ाइन देख रही हैं वो सब के सब इतनी खूबसूरत हैं, यूनिक हैं, क्यूट हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, जो बहुत ईजिली आप कैरी कर सकती हैं। बहुत प्यार से आप इसको खुद एम्ब्रॉयडरी करा सकती हैं, अपने ड्रेस को खुद डिज़ाइन कर सकती हैं। यहाँ पर डिज़ाइनिंग दिखाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आप अपने लिए खुद थोड़ी सी मेहनत करें, खुद जद्दोजहद करें, वो चाहे आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, वो आपकी फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपकी मैनेजमेंट हो, आपकी लाइफ की चीज़ें हो, यानी कि आपके लिविंग स्टाइल में अपना काम अपने हाथ से करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप मार्केट जाएं और बनी बनाई चीज़ को परचेज कर लें, ख़रीद लें। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। खुश रहें, खुश रहना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। जी जनाब, मैं मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।